कान खोल के सुन लो मिस मोर्चा, तुम जितने नोटिस भेजना चाहती हो मैं भेज सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे सो कॉल्ड एनजीओ को अपने बंगलों से निकाल के रखूंगा। तुम्हें इतनी सी भी जगह नहीं दूंगा, मैं समझ गई तुम? ये असीम की क्या कहानी है? कहानी नहीं मम्मा, प्रेम कहानी कहो। मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना है, ओके? इसे मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। सर, आप हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग से मिलना चाह रहे थे ना? मीट मिस्टर असीम सहानी। दिस इज योर वर्क स्टेशन। थैंक्स असीम। मोस्ट वेलकम। ऑल द बेस्ट। हाय पापा। हेलो डब्बू। गाड़ी पहुंच गई क्या? हाँ हाँ, तुम्हारी कंपनी का ड्राइवर ले आया था बड़े अच्छे से। पापा, I'm really sorry, पापा। मैं आपको बताने ही वाली थी, सच में मैंने सोचा था मैं आपको फेस टू फेस बताऊंगी कि आपकी प्यारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। I'm really sorry, पापा। बेटा, गाड़ी मुझे प्यारी है लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। ये बता, तुझे चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं था। एंड आई एम रियली सॉरी पापा। अरे बेटा, ये बार बार सॉरी मत कहो। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है ना। ऑल द बेस्ट टू यू। मैडम जी, एलन साहब आपको अभी के अभी अपने केबिन में बुलाए हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। गॉड, क्यों बुलाया? मैं कमिन सर। कमिन। वो आपने बुलाया था सर? So, Ms. Devjani, मुझे ये बताओ कि यहाँ ज्वाइन करने से पहले, इस चैनल में ज्वाइन करने से पहले तुम किस चैनल में काम करती थी? एक्चुअली सर, मैंने कभी किसी चैनल में एक्चुअली पहले काम नहीं किया है। इनफैक्ट दिस इज माय फर्स्ट जॉब। व्हाट आर यू सेइंग? लेकिन जिस पोस्ट पे तुम हो उसके लिए तो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, फिर तुम्हें जॉब कैसे मिली? एक्चुअली वो मिस्टर असीम सहानी ने। असीम सहानी, आई शुड हैव गेस्ड। नो नो सर, एज अ फैक्ट मैंने मैंने ऑडिशन दिया था और वो मेरे। तुम्हारा ये टैलेंट तो काबिले तारीफ। तुम बैठे रहोगी ना, सब कुछ तोड़ दोगी। प्लीज लीव। आपका अपलिंक रेडी है? यस सर। लाइट इज ओके? सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इस स्लॉट का प्रोड्यूसर यही होगा। हाय देवजानी ठाकुर। ओ हाय नेगी, आज आफ्टरनून का बुलेटिन तुम ही पढ़ने वाली हो ना? या। सुरेखा, तुमने आज ही ज्वाइन किया है ना? या। कोई शक या सवाल? आई होप नॉट। वैसे सब कुछ टैली प्रॉम्प्टर पे होगा, लेकिन फिर भी एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेना, इससे अटकता नहीं है। बंटी, मैडम को स्क्रिप्ट लाके दे। उसकी जरूरत नहीं है। हेलो सर। है नेगी। नेगी, फ्री है 3 न्यूज, इवनिंग न्यूज वाली शिखा पड़ेगी। ओके सर। राइट, थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मुझे फ्री एथ्री के लिए सिलेक्ट किया गया था ना, तो फिर मैं न्यूज क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, और इतना इम्पोर्टेंट टाइम स्लॉट मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसीलिए। सर, आपको मेरा एक्सपीरियंस और टैलेंट तो तब पता चलेगा ना जब आप मुझे न्यूज पढ़ते हुए देखेंगे। एग्जैक्टली।
हम इनका ट्रायल लेंगे। अगर तुम इस ट्रायल में पास हो जाती हो तो लाइव एडवाइज तुम्हारा। आप ये सब मेरे साथ पर्सनल रीजंस की वजह से कर रहे हैं ना मिस देवजानी? व्हेन इट कम्स टू वर्क आई एम वेरी सीरियस अबाउट वर्क। तो मैं टेस्ट दूंगी। गुड, मुझे यही सुनना था। ऑल द बेस्ट। हाँ, मेरी गाड़ी का एस्टिमेट बिल आया है 40,000 ओनली। कैसे चुकाओगी, चेक या कैश? ओ, मैं कहाँ से? फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच लो। टेक योर ओन टाइम। मुझे ऐसा बॉस मिलना था। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि देवजानी का दोबारा टेस्ट लेने की जरूरत तुम्हें नहीं है। और मैं देवजानी का टेस्ट दोबारा क्यों नहीं लूंगा असीम, क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसने ऑडिशन क्लियर किया है। ऑडिशन क्लियर कर दिया, उसका एक्सपीरियंस क्या है? वेल, हमारे न्यूज हेड को इतना तो पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस काम करने से मिलता है, और उसे ये मौका ना देके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती की बातें तुम ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा असीम। तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुमसे कहीं गलती ना हो जाए। और रही पुरानी गलती की बात जो तुमने की है, उसका हर जाना तो तुम्हें चुकाना ही होगा। So be it, Taylor. लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़ाई एक तरफा नहीं होगी। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को दिल की बीमारी होती है। 45 हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को दिल की बीमारी हुई है। नमस्कार, लाइव एट 5 में हम चर्चा करेंगे हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट आज देख लेना मिस्टर डिलन, खुद ही कहना पड़ेगा कि देवजानी इज द बेस्ट। मैं नम्रता भटनागर आप सबसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट, न्यूज की जरूरत नहीं है। हमने मोनिका सहाय को न्यूज एट 5 के लिए सिलेक्ट कर लिया। पर सर, ऑडिशन लिए बिना आप ही कैसे कह सकते हैं? Who am I? I'm a boss and I will decide everything. पूरी ऑफिस ने देखा है मिस देवजानी, जो लड़की को ये भी नहीं पता कि वो जेंट्स टॉयलेट में जा रही है या लेडीज टॉयलेट में। टेलीप्रॉम्प्टर में अगर उसने गलत डेटा पढ़ लिया तो नुकसान किसका होगा? चैनल का। और ये मैं होने नहीं दे सकता। एक रिश्ता तो टूट गया। रिश्ता नहीं टूटा है ममता जी, रिश्ते की सिर्फ बात चली थी। पर चंडी ने रिजेक्ट किया ना लड़के को, ये चंडी को कोई और पसंद आया हो? अरे ये क्या कह रही हो ममता जी, अपनी बेटी से हम पूछें कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है या नहीं? पर पूछना तो पड़ेगा ना। मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं अकेली पूछ लूंगी किसी तरह। ईशु, लगता है अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया में जिसका भी फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस सबसे खराब गया होगा ना, मेरा फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस उससे भी खराब गया है। ओके, जस्ट रिलैक्स। यू नो, पानी पियो और शांत हो जाओ, काम डाउन। फीलिंग बेटर नाउ? तुम जानती हो यहाँ के कैफेटेरिया में ना कमाल की कॉफी मिलती है, तो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं और कॉफी पीते पीते बातें करते हैं, फिर बताना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। कम या कुछ तो होगा, कोई लवी डवी मैसेज या किसी आशिक का प्रेम संदेश। ओ फिश, हेलो, मेरे फेसबुक पेज पे ताका जाकी करती है तू? नहीं, मैं अपने फेसबुक की लाइफ सुन रही हूं। रुक, तू इधर। लाइफ की बच्ची, तेरी लाइफ तो मैं अभी खत्म करती हूँ। बैठ इधर और अपने ये ड्रामा बंद कर और जल्दी जल्दी बता। पहले प्रॉमिस कर, किसी को नहीं बताएगी। हाँ, प्रॉमिस किया, अब बता।
बात हुई, एक गधे का रिश्ता क्या ठुकरा दिया, बात यहाँ तक पहुँच गई। अरे भू देवी चाची जो कुछ बकवास करती है समझ आता है, पर माँ बाप वो भी ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं चंडी, तू यहाँ बैठा, तेरा पारा हाई हो गया है, शांत हो जा मेरी माँ। बिल्कुल नहीं, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। क्या करेगी? नी शादी से जुड़ा एक फैसला लूंगी। यू नो देवजानी, इसीलिए मुझे डिलन जैसे लोगों से सख्त नफरत है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए असीम लेकर आया इस लड़की को ऑफिस में रोमांस करने। एक बात बताओ, उस इडियट डिलन के ओपिनियन को तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था तुम्हारी फैशन शो में कंपेयरिंग देख के, और ये जॉब भी तुम्हें मिली है अपने ऑडिशन के बलबूते पे। तो ये मिस्टर डिलन कौन होते हैं तुम्हें ये बताने वाले कि तुम टैलेंटेड नहीं हो? देवजान, यू आर द बेस्ट, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जॉब बहुत अच्छे से करोगी। मैं बस ये फोन रिसीव कर लूं। चंडी बार बार फोन कर रही। हेलो। ओ हेलो, इतना टाइम क्यों लगा तूने फोन उठाने में? अरे पर असीम सर, गुलाटी साहब आए। या हाँ बोल। मुझे बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है अपनी शादी से रिलेटेड। पर ऐसा क्या अनाउंसमेंट करना है? वो तो शाम को पता चल जाएगा। बाय। मैंने आप सबको यहाँ एक फैसला सुनाने के लिए बुलाया। कैसा फैसला? मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी। देखा, मैंने आपको कहा था जरूर जरूर कहीं चक्कर है इसका। और लव मैरिजेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मुझे लव मैरिज भी नहीं करनी है। अब आप लोगों को जितने मर्जी लड़के ढूंढने हैं आप लोग ढूंढते रहो, पर वो मेरी लिस्ट के पॉइंट्स के हिसाब से होना चाहिए। फिर उससे मिलना ना मिलना मेरी चॉइस होगी। और अब मैं होती हूं यहां से तक लिया। वो आदमी जिसकी वजह से चंडी की जॉब गई थी, वो डिलन द विलन, वो मेरा बॉस है। मुझे जॉब मिली है, उसको मेरा टैलेंट देखना चाहिए। एक्सीलेंट आइडिया, तुम्हें किसी भी तरीके से अपना टैलेंट उसे दिखाना है ताकि वो तुम्हें न्यूज बुलेटिन एंकर करने का मौका दे। यस, यू नो व्हाट पापा, यू आर राइट। उसे बस एक बार मुझे न्यूज पढ़ते हुए देखना चाहिए, फिर उसे पता चलेगा कि मैं अपने टैलेंट की वजह से सिलेक्ट हुई हूँ, किसी सिफारिश की वजह से नहीं। हार तो मैं मानूंगी नहीं, दिखा दूंगी उसे। सो गर्ल्स, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। शुरू करें? ओके, रेडी टू रोल इन 5? हाँ। 5, 4, 3, 2, 1. लाइटमैन हिलाओ। क्या लाइटमैन? ये लाइट के चक्कर में मेरे हाथ टूट कर गिर जाएंगे। लो कर लो बात, ऐसे कैसे टूट कर गिर जाएंगे? मैं भी तो खड़ी हूँ लाइट लेके, कब से मैं हिल रही हूँ क्या? अरे भारी है ये। बस इसे नीचे रखिए और आप बाहर चलिए। चलिए 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 बाहर। मैं बाहर जाऊँ? हाँ बाबा, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। बस जाइए। हाँ हाँ, बाहर जाइए, मैं संभालूंगी दोनों लाइट। माँ आप भी बाहर चलिए दोनों। मैं, अरे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, चलो मैं तो हिल भी गई। बाहर चलिए माँ। नमस्कार। इसी के साथ मैं देवजानी ठाकुर आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। बेटा चलती दरवाजा खोल, हमें देखना है कि तूने रिकॉर्ड क्या किया है। बिल्कुल नहीं, ये मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, जिसके लिए रिकॉर्ड किया वो ही देखेगा। कल सुबह। ये रही देवी जी। क्या ये? सर आपने मुझसे कहा था ना कि
कि जब तक मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और नर्वस हूँ तब तक मैं न्यूज नहीं पढ़ सकती? तो ये डीवीडी उसी बात का प्रूफ है कि मैं टैलेंटेड भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ और न्यूज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार। जब भी आपको मौका मिलेगा आप ये डीवीडी देख लीजिएगा। तो ये जो मौका है वो भी ठीक है, अभी देख लेते। श्योर सर, ओके। श्रीधर सर, जस्ट प्ले दिस, आओ सब आओ देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ देवजानी ठाकुर और लाइव एट फाइव में आप सबका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, मैं देवजानी ठाकुर आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ऑसम, मतलब ऐसा टेस्ट आज तक के न्यूज हिस्ट्री में ना किसने दिया होगा ना किसने देखा होगा। वी ऑल शुड फील प्रिविलेज्ड टू वॉच दिस टेस्ट। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गेट बैक टू सम सीरियस वर्क। शीतल, कम टू माय कैबिन। यस। इतनी जुगाड़ निकाल के, इतनी सेटिंग करके नौकरी हासिल की तुमने, नौकरी छोड़ रही हो। वैसे मैं इतना हैरान क्यों हो रहा हूं? Why am I so surprised? तुम लगती उस टाइप की, दूसरों की मेहनत पर पानी फेरना अच्छा लगता है तुम्हें। मैं किस टाइप की हूँ ये मुझे आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए एक चांस चाहती थी, पर आपने वो चांस मुझे नहीं दिया। जो इंसान अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट किसी को समझता ही ना हो, उसके साथ काम करके क्या फायदा? बस अब मुझे आपको बर्दाश्त करने की और कोई जरूरत नहीं है। बर्दाश्त? तुम्हें करना ही होगा मिस देवजानी, क्योंकि इतनी जल्दी मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं नहीं। मतलब? मतलब ये कि नौकरी मिलने की खुशी में शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं और ऐसे ही साइन कर लिया। कंपनी पॉलिसी के हिसाब से अगले 3 महीने तक तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती। आपकी अमानत संभाल के रखना। 3 महीने बाद नौकरी छोड़ दोगी, मैं वसूल कैसे करूंगा? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे कोई पैसे उधार नहीं लिए थे। अरे यार सच में तुम कुछ समझती नहीं हो। सुनो जरा, तुम्हारे बैग में जो स्कार्फ लगा है मुझे दो। कम ऑन फास्ट, गिव इट टू मी फास्ट। मेरी गाड़ी यूं ही चमचमाती रहे का मतलब ये था कि तुमने जो मेरी गाड़ी को डैमेज किया है उसके हर्जाने के रूप में तुम्हें अगले 3 महीने रोज आकर मेरी गाड़ी को साफ करना होगा। ये क्या किया? I'm really sorry, पर ये केक ये सेलिब्रेशन क्यों? बेटा तूने जो वीडियो बनाया था ना, वो देखकर तेरा बॉस जरूर तुझे न्यूज रीडिंग का मौका देगा, ये सोचकर हम लोगों ने तुझे सरप्राइज देने का प्लान बनाया। मेरी स्टोरी भी इस केक जैसी है। गई थी हीरो बनने और बड़ी सी जीरो बन के वापस आई हूँ। हाय हाय, ऐसा क्या हुआ? बाय गॉड, वो जो वीडियो मैंने लिया था ना, आई थिंक मैंने उस कैमरे को हिला दिया और पूरे वीडियो में सिर्फ मेरा फॉरहेड और वो हमारी बड़ी सी फोटोग्राफ आई है और सिर्फ मेरी आवाज। तब्बू, ऐसा तेरे साथ ही क्यों होता है? वही तो मैं भी सोच रही थी। गई तो थी सबकी नजरों में ऊंचा उठने के लिए, पर सीधा काई में जाके गिरी हूं मैं। हाँ
वकील साहब का फोन था ना, बेजुबान वाले केस के लिए ना। हाँ तो बेटा जवाब क्यों नहीं दिया? वो आज दूसरी पार्टी से मीटिंग थी। हाँ तो जाओ ना। कोई फायदा नहीं है पापा, अब वो मेरा बॉस बन के आ गया है, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देखो बेटा, डिलन तेरा बॉस ऑफिस में है, इस केस में वो तेरा एक अपोनेंट है, क्योंकि वो तेरे बेजुबान जानवरों के सर से उनकी छत छीन रहा है और तू उनकी तरफ से आवाज उठा रही है ना। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, अगर तू ही परेशान होकर ऐसे हार मान लेगी तो उनका तो इकलौता सहारा छिन जाएगा बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तू तो मेरी बहादुर बेटी है, कभी कोशिश करने में पीछे नहीं हटती है, तो तेरी हार कैसे हो सकती है बेटा? आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैं अभी उस वकील को फोन करती हूँ कि मैं आ रही हूँ। बेटा फोन करने की बजाय खुद जाकर मिल लो ना। देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वो देखिए आगे डिलन सर, वो देखिए। अच्छी बात है, पर मैं जा रही हूँ। जहाँ आपने इतनी देर तक वेट किया वहाँ 5 मिनट और सही। आपने कभी किसी खड़ूस इंसान के साथ काम किया है? क्यों? क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है। मेरा बॉस सिर्फ खड़ूस ही नहीं बल्कि बल्कि घटिया आदमी भी है। अगर अगर आज मैं लेट हो गई ना तो उसे एक और रीजन मिल जाएगा मुझे टॉर्चर करने का, जो मैं उसे देना नहीं चाहती। आप बहुत ढेर सारे कमीने इंसानों से मिले होंगे, पर मेरा बॉस तो इंसान ही नहीं है, वो तो पत्थर है पत्थर। मिस देवजानी। नो 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 मिस्टर डिलन, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया, टैक्सी खराब हो गई? सो सैड यार, एक तो तुम्हारा वो खड़ूस बॉस, पत्थर दिल, कमीना, इनफैक्ट वो तो आदमी नहीं है ना, और दूसरी तरफ इतना सारा ट्रैफिक, तुम्हें टैक्सी मिलेगी भी नहीं, और ऐसे में अगर तुम ऑफिस नहीं पहुंची तो तुम्हारा खड़ूस बॉस तुम्हारी बैंड बजा देगा। मैं उसी तरफ जा रहा हूं, पर प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी जो गाड़ी है ना बिल्कुल तुम्हारे बॉस की तरह है खड़ूस। किसी बदसूरत लड़की को अगर मैं बिठा लूं ना गाड़ी में तो चलने का नाम नहीं लेती। नहीं आई नो इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर दैट्स द वे इट इज। सॉरी। दिखा दी ना अपनी कमीनियत। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, क्या करूंगी आज पक्का लेट हो जाएगी। टैक्सी थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू, बाय बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम्हारे पास ऐसी कोई न्यूज हो तो बताना मुझे। ऑलराइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चौक गया ना मुझे देखकर खुसट। I'm right on time. तुम यहाँ क्या कर रहे? सर आप भूल गए मीटिंग। तुम भूल गई कार वॉश?
लाइट्स ऑन। डिलन, मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी वुमेंस रैली होने वाली है, करीब 400 लोग एक्सपेक्टेड है। ओके। मुजफ्फरनगर में नहीं, मौसी नगर में, और 400 नहीं 650 लोग एक्सपेक्टेड है। क्या था ये? तुम रिपोर्टर नहीं हो, खुद के पास दिमाग है नहीं, वो दिमाग चलाने की कोशिश मत करो। ओके, कम ऑन, लीव नाउ, लीव। दिमाग मत चलाओ, जबान मत चलाओ, इनको नहीं चलाऊंगी तो इतने हाथ चल जाएगा मेरा। वाह डब्बू, जिसके मुंह में बोलना चाहिए था ना, हमेशा हर पल मुझे बाद में क्यों याद आती है। नमस्कार, राइट नाउ न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। मिस देवजान, तो तुम कर रही थी, तुम जानती हो हमारा कितना नुकसान हुआ है, इनके पीछे रिपीट करके क्या मिल रहा था तुम्हें, कुछ हासिल कर रही थी, कितना नुकसान किया तुमने स्टूडियो का, कितना टाइम बर्बाद हुआ है। रिलैक्स डिलन, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। रियली, यू नो, इसकी गलतियां सिर्फ तुम्हें समझ में आती, जैसे कि इसका टैलेंट भी सिर्फ तुम्हें दिखाई दिया, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता इसमें क्या है। लिसन डिलन, यू लिसन नसीम, तुम हेड ऑफ मार्केटिंग हो, मैं हेड ऑफ प्रोग्रामिंग हूं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मार्केटिंग ठीक ठाक चले तो मेरे प्रोग्रामिंग डिवीजन में इंटरफियर ना करो। ऑलराइट सर, इलाहाबाद लैंड केस, किसी सीनियर जज ने लैंडमार्क जजमेंट दी है मजदूर यूनियन के फेवर में। ओह यार, दैट्स अ बिग न्यूज, आई वाज फॉलोइंग दैट। एक काम करो, तुम उसे 9 o'clock का स्पेशल सेगमेंट बनाओ। ओके सर। क्या हुआ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे ये जजमेंट तुमने दिया है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, यू नो, आई रियली वांट टू नो, वी ऑल वांट टू नो, कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि जजमेंट तुमने दिया है? क्योंकि सीनियर जस्टिस मेरे पापा हैं। जस्टिस लक्ष्मी नारायण ठाकुर तुम्हारे फादर है, तुम उनकी बेटी हो। हाँ। He's big. और तुम ऐसी निकली। जस्टिस नारायण ठाकुर साहब के साथ बहुत ही इनजस्टिस हुआ है। सच में तुम उनकी बेटी हो? एलिन, आप कोई बहाना मत सोचिए, मेहता साहब ने ये पार्टी आपके ऑनर में रखी है क्योंकि आपने इतने बड़े केस में जजमेंट पास किया है और आप जाना नहीं चाहते। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ ऐसी पार्टीज में। पापा, पापा, ओह माय गॉड, पापा, यू आर सो ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर जस्ट ऑसम, आई लव यू सो मच पापा। बहुत प्यार करती हो अपने पापा से? ऑफ कोर्स, कोई शक? बेटा एक काम करो, मुझे इस पार्टी में जाने से बचा लो। कम ऑन पापा, थोड़ा तो सोशलाइज किया कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लेट्स पार्टी। तो जज एलेन ठाकुर साहब, आपकी समझदार बेटी ने फैसला सुना दिया है। हाँ भाई, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, जाना पड़ेगा। बस भी करो, एक तो ऐसी साड़ी पहना दी है जैसे कभी पहनती नहीं हूँ। ट्रस्ट मी मॉम, यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। अच्छा? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो खाना वाना बना कर रखा है, गरम करके ले लेना है जी, और हमारे निकलने के बाद कहीं घर से बाहर मत निकलना। हाँ चलिए, एंजॉय योरसेल्फ गर्ल, थैंक यू पापा, हैव फन, बाय 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 बाय।
अरे दी दी माँ का फोन आ रहा है। आजी दी माँ का फोन। अरे अरे माँ का फोन आ रहा है, चलो। लो कर लो बात, ये डब्बू भी फोन नहीं उठा रही है, ना लैंडलाइन, ना चंडी का फोन, ना ईशु का फोन, बस रिंग पे रिंग जा रही है। मरवाएंगी ये लड़कियाँ। हाँ नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि कॉल बैक करेंगी ना लड़कियाँ। हाँ हाँ करिए तो सही ना। आ गया डब्बू का फोन। हेलो डब्बू। हाँ माँ आप पे फोन किया था। हाँ बेटा मैं कब से फोन कर रही हूँ, वैसे हम भी आ ही रहे हैं कुछ ही देर में। इतने जल्दी माँ? हाँ तो क्या, हमें मुंह ही तो दिखाना था माँ। कौन से तुम्हारे पापा को अच्छी लगती है पार्टियाँ? ये म्यूजिक क्या बज रहा है? अरे आराम से चलाइए ना। गाने सुन रहे हैं माँ, गाने। अच्छा ठीक है बेटा, हम बस पहुंच ही रहे हैं, 20 मिनट में हैं। सर हम फोकस बनाते हैं, दाना हमारा काम नहीं है। ज्यादा सती सावित्री बनती है ना तू? अरे दी ये तो वो विक्की यादव है। ओ विक्की यादव, मैंने कहा था ना कि मैं जानती हूँ, वो पॉलिटिशियन का बेटा। एक मिनट मैं फोटो लेती हूँ। प्लीज दी प्लीज चलो ना, माँ का फोन आ रहा है दोबारा। ठीक है चलो कम चल। बच गए। थैंक गॉड पापा बच गए और हम भी। नमस्कार मैं हूँ श्रुति सक्सेना, के न्यूज में आपका स्वागत है। कल रात पैरल पर बाहर निकले विक्की यादव सीधा पहुंचे दिल्ली के एक मशहूर डिस्को में, जहां उनकी बाउंसर्स के साथ हुई झड़प। विक्की यादव का कहना है कि बाउंसर्स ने बिना वजह उनसे बदतमीजी। इसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये न्यूज हमारे चैनल पर एयर होना था सबसे पहले। सर सर ये न्यूज गलत है। बाउंसर ने विक्की यादव से झगड़ा शुरू नहीं किया था। और ये न्यूज तुम्हें तुम्हारे ज्योतिष बाबा ने बताई? नहीं सर, वो विक्की यादव एक वेट्रेस को फोर्स कर रहा था अपने हाथ से कॉकटेल पिलाने के लिए, और उसने उस पर बंदूक भी ताकी थी, पर ये सब उन लोगों ने न्यूज में नहीं दिखाया सर। गुड स्टोरी। तुम्हारे ज्योतिष बाबा ने तुम्हें बहुत ही अच्छी कहानी बताई है, मगर इट्स जस्ट अ स्टोरी। ये कोई कहानी नहीं है, मैं वहां थी। ये जो कुछ भी हुआ उस वक्त तुम वहां थी, तुमने कुछ रिकॉर्ड किया होगा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा। सो एक्चुअली मैं वो फोटोग्राफ लेने वाली थी, पर अचानक माँ का फोन आ गया और मैं फोटो नहीं ले पाई। तुम जानती हो वो कितना बड़ा स्कूप हो सकता था? तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? देवजानी यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम की नहीं हो। योर एम्प्टी अपीयर। सर आई एम सॉरी, पर ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने तो कहा था कि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। कल जो तुमने किया, तुम एक रिपोर्टर के काम में टांग लगा रही थी, पर कल रात तुम्हारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज थी तो तुम्हें कैप्चर करनी थी। सब पर आप ही ने तो कहा था कि मैं रिपोर्टर नहीं हूं। जर्नलिस्ट तो हो, एक स्कूप दिखाई नहीं दिया तुम्हें, फोटो खींचना मुश्किल हो रहा था, क्या प्रॉब्लम क्या थी? सो मैंने कहा ना कि मैं फोटो लेने वाली थी। I'm sorry, गलती मेरी है, just get out from here. Just leave. You know what? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे सुनाए बिना ना उसका ब्रेकफास्ट ही हजम नहीं होता है। अब तुम ही बता। पर तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो सिर्फ सुन सकते हो मेरी दुखी पुराण। लेकिन मैं सुन भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। वो मैं सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। आई नो, मुझे पता चला।
क्या कैसे पता चला तुम्हें? देवजानी ऑफिस है, लोग बातें करते हैं और पता चल जाता है। अरे अजीम, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने फोटोग्राफ खींचने के लिए कैमरा निकाला था और फोटोग्राफ लेने ही वाली थी कि माँ का फोन आ गया और कैमरा बंद हो गया और ईशु भी हमारे साथ ही, तो हमें वहां से निकलना पड़ा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें ऐसे फिजूल लोगों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और इन सब बातों को लेकर परेशान मत हो। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक दिस। हेलो, कितना फर्क है इसमें और डिलन में। काश कि ये मेरा बॉस होता, पर कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में डिलन द विलेन ही बॉस है तो उसको मुझे इंप्रेस करना ही होगा। मैं कभी सर, क्या ये कुत्ता क्यों ले रहा है? सर चॉकलेट है, लीज होल्डर्स के मालिक मिस्टर बर्मन ने अपने कुत्ते के जन्मदिन की खुशी पे भेजी है सर। क्या हो रहा है आजकल? दो How cute, yeah. ये खड़ूस तो उस खिलौने वाले डॉगी को देखकर इतना स्माइल कर रहा है और प्यार भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको भी डॉगीज पसंद आते। देख, अब सब कुछ तेरे हाथों में, हम दोनों को मिलकर हमारे दोस्तों के सिर से छत छिनने से बचाना है, ओके? कौन है यहाँ? हाँ, तुम मेरे घर तक पहुंच गई? आपने तो कहा था ना, ऑफिस की बातें ऑफिस में और बाहर की बातें बाहर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, get out from here. Right, क्योंकि आज मैं तो बातें करने नहीं वाली हूँ, ये आपसे बातें करेगा। ये कुत्ता मुझसे बात करेगा। हाँ। सिन, मुझे तुमसे डर लग रहा है, प्लीज जाओ यहाँ से। I don't want to talk to you, please. Thank you very much. Sir, देखिए इसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, देखिए ना, आपको इसके जज्बात समझ में नहीं आ रहे क्या? क्यों देखूं उसके आंखों में आंखें डालकर? मैं निकलो ऐसे, get out. Oh my God, sir, ये तो आपको ही बुला रहा है। सर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इसके जैसे क्यूट बेजुबान बेसहारा एनिमल्स का घर छीन रहे हैं उनसे। मुझे वो सब नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे घर से बाहर निकलो। अरे एक बार तो टच करिए। दूर रखो। कम ऑन शेरा अंकल को किसी दो। प्लीज कीप हिम अवे, प्लीज। नो। No. यही सही मौका है इसे पकड़ के बाहर करने का। एक जगह खड़ा है, अभी पकड़ती हूँ उसे। Stay there. मेरे घर को तुमने अपने दिमाग की तरह कचरा बना दिया। Come on, इतना गंदा भी नहीं हुआ आपका घर, यूं साफ हो जाएगा। कितनी बजे आती है आपकी कामवाली? कामवाली की क्या जरूरत है, तुम हो ना कामवाली काम करने के लिए। मुझे वो तुम्हारी उस अंडरकवर रिपोर्टर का नाम पता चाहिए जो तुम शूट कर रही थी देवजानी, वो कल का टेलीकास्ट था। उससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? मैं आपको रीजन नहीं बता सकती, बस ये बता सकती हूँ कि ये इमरजेंसी थी। क्या वजह थी? अगर वजह वाजिब निकली तो मैं ये फोटो मैं ऐसे निकाल दूंगा, वरना ये फोटो यहीं लगा रहेगा पूरे महीने।